होगा रात तुझे यूं ही सुबह शाम मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा तुझे मैं यूं ही सुबह शाम मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम बिना तेरा नाम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही है, तरफ से टीवी वन की तरफ से ईद मुबारक। अगर आपको वॉशिंग मशीन जीती है तो शोर मचाना है। 1 2 अरे 5 पूरा तो करने दो। 1 2 3 4 5 मैं भी था मजबूर मेरी जान और तू भी मजबूर ले गई तुझको वक्त की आधी मुझसे कोसों ले गई तुझको वक्त की आधी मुझसे जलते रहना चाहत का अंजाम मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम बिना तेरा नाम। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की ईद हम बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ और बहुत बड़े लोगों के साथ मना रहे हैं। मैं इस वक्त जिन लोगों को बुलाऊंगा आपकी तालियों में आप उनका इस्तकबाल करेंगे। बहुत बड़े लोग हैं, वो टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। इट्स माय मोस्ट प्लेजर, माय ऑनर टू कॉल देम हियर। आज हमारे साथ वो ईद की खुशियों में शरीक हैं और आज खुल के बातें करेंगे। बहुत सारी तालियों में शी इज फ्रॉम पीटीआई। बहुत सारी तालियां नुसरत भाई साहिबा के लिए, बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कोई इल्जाम ना लगा दे कि हमने हुकूमत का शो कर दिया, बड़ा मसला हो जाएगा। वरना ये इनको मैंने सुना है और बहुत सुना है और ये बहुत अच्छा गाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज अ कंपोजर एंड अ वंडरफुल पर्सन। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर बाजी सिंह। Ladies and gentlemen, again she is from PTI. जब बोलती हैं तो बहुत साफ, बहुत वाज़े और कभी कभी बगैर कुछ ख्याल के बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। बहुत सारी तालियां फिजा ईशान साहिबा के लिए, प्लीज तशरीफ लाइए। फिजा इस तरफ आ जाइए। हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने इनको देखा, इनके काम को देखा और मुझे लगता है कि इनसे बेहतर कम ही लोग काम करते हैं। दिस गाय इज अनबिलीवेबली टैलेंटेड। और जब मैंने इनका प्ले देखा था ऑन जारो, मुझे तभी अच्छे लगे थे। आई वॉच दिस फिल्म कॉल्ड बालूमाही, मुझे उस वक्त तो बहुत अच्छे लगे। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ही स्टारिंग इन बाजी एज़ वेल। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर खालिद उस्मान। ईद मुबारक खालिद, ईद मुबारक। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स माय मोस्ट प्लेजर
my honor that I am calling upon a true friend, a very good friend of mine, जिनकी दोस्ती मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगी है, जिनके साथ मैंने काम किया है, और मुझे ऐसे लगता है कि कम लोग ऐसे हैं जो इतने टैलेंटेड होते हैं। एक और बात मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, कम लोग ऐसे हैं जो इतने टर्मोइल से गुजरते हैं और गुजरने के बाद भी शाइन करते हैं, और ऐसे शाइन करते हैं कि उनसे बाकी लोग इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, शी इज द रेनी क्वीन ऑफ आवर इंडस्ट्री, शी इज द जेम, एंड ट्रूली माय फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, द लेजेंडरी मीरा। जरा शोर कम है, कम हुआ है, बिल्कुल कम हुआ है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, वन टू थ्री फोर फाइव गो। बाजी प्लीज मीरा तशरीफ रखिए, हाथ ऊपर, और ये तो मैं अपने लिए कहता हूं, दिस इज मी। कुछ किस्मत ने लूटा मुझको, कुछ बिगड़े हालात, कैसे कर लूं मैं समझौता इस दुनिया के साथ, समझौता इस दुनिया के साथ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, और अभी आलम है कि तू नहीं, तेरा गम थी जस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे किया जो भी नहीं, न कोई राह न मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। Ladies and gentlemen, let's make sure that we have fun. Eid Mubarak to you. We'll be right back. आपको बहुत ही मुबारकबाद है, देन आपको बहुत ही मुबारक फिजा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा यू डोंट हैव माइक, यू हैव माइक भाई, मेरे को भी ईद मुबारक बोल देते, आपको भी मुबारक, खैर मुबारक, अरे आप तो बोले ही नहीं ना, आपके लिए ही तो बैठा हूं मैं इधर, क्या बात, मेरे फर्स्ट फ्लोर पे आके बैठो ना मेरे साथ, मैं अभी आती हूँ साहिर से इजाजत लेकर। अगर आप माइंड ना करें तो एक बात बोलूं, इश्क आतिश लाई है, इश्क आतिश लाई है, सब मिलके इस्तकबाल करो साहिर भाई के शो में, बाजी फिल्म की कास्ट आई है। क्या बात, क्या बात, अमेजिंग। आई थिंक वी ऑल लव देम, वी ऑल लव मीरा एंड वी ऑल लव बाजी, लेकिन सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक हो, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू नुसरत, बहुत बहुत शुक्रिया दैट यू केम, थैंक यू खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, ईद मुबारक, एंड थैंक यू मीरा, ऑफ कोर्स बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी, आपको बहुत ईद मुबारक वाजिद, एंड आपको बहुत ईद मुबारक फिजा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मीरा यू डोंट हैव माइक, यू हैव माइक भाई, मेरे को भी ईद मुबारक बोल देते, आपको भी मुबारक, खैर मुबारक, अरे आप तो बोले ही नहीं ना, आपके लिए ही तो बैठा हूँ मैं इधर, क्या बात, मेरे फर्स्ट फ्लोर पे आके बैठो ना मेरे साथ, मैं अभी
भी आती हूँ साहिर से इजाजत लेकर। क्या बात। नहीं नहीं आप मुझे इजाजत पहले जाए आप जाना चाहती हैं तो ये माना खालिद आपकी फिल्म का हीरो है, ये माना खालिद आपकी फिल्म का हीरो तुम्हारा है, कभी हमारी तरफ भी देख लो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कुट्टी हो गया बैठे हुए पीछे। बस खालिद भाई बस मत पूछे, जब से मीरा जी को देखा है ना दिन को चैने ना रात को चैने, बस इनके बारे में सोचता रहता हूँ भाई, बस ये नहीं सोच रही है मेरे बारे में। आपका क्या जाएगा, एक तरफ एक बार हाँ कर दोगी गंजे की लाइफ बन जाएगी। हंस गई बस बात शुरू हो गई है बनना। पहली दफा है कि आपने मीरा को चुप करा दिया है। कोई अल्फाज नहीं है उनके पास, कोई जवाब नहीं है। इतना क्या करूं मैं। अच्छा अच्छा, आज मैंने प्रॉमिस किया है आप लोगों से भी और सबसे भी कि हम बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल बातें नहीं करेंगे, डिफरेंट बातें करेंगे। ऑफ कोर्स बाजी की तो हम बात करेंगे बिकॉज बाजी की कास्ट इज हियर, वी लव टू सी दैट फिल्म इन थिएटर्स। आई थिंक 28 तारीख को रिलीज हो रही है, 28 तारीख को, तो मेक श्योर यू आर देयर बिकॉज आई एम गोइंग टू बी देयर, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर। तो पहले हाँ हाँ बजा लो कोई नहीं रोक रहा। पहले लेट मी स्टार्ट विद नुसरत, आप पिक्चर्स देखती हैं फिल्म्स देखती हैं? अच्छा भाई बात ये करनी है, देखें जो सच्ची सच्ची हो। आप आज MNA नहीं है यहाँ, आप MNA आप हैं बिल्कुल। लेकिन आज आपने बात वो करनी है जो बहुत नॉर्मल बात हो, जो मैं झूठ नहीं बोलती। मैं मूवीज नहीं देखती, अब नहीं देखती पिछले ऑलमोस्ट 6-7 साल से आप कह लें। वजह मसरूफियत है। अच्छा, बेइंतहा मसरूफियत होती है, इतना टाइम निकालना 3 घंटे जाके देखना इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली अगर हम आपको रिक्वेस्ट करें कि आपने एक पिक्चर देखनी है दैट इज खालिद फिल्म एंड मीरा फिल्म, आमना इलियास इज आल्सो देयर, लेकिन दैट इज कॉल्ड बाजी। मैं आपको उसका ट्रेलर दिखाऊंगा, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग, यू आर गोइंग टू गो देयर एंड वॉच इट। ओके। देखिए जब आप लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना है तो पाकिस्तानी मूवीज को भी सपोर्ट करना है, दैट इज नॉट द थिंग। मैं इंडियन मूवीज कभी भी नहीं देखती और इवन गाने भी नहीं सुनती उनके, कि मैं टोटल पाकिस्तान के लिए हूँ, ये मेरा 100% वो है। लेकिन मूवीज देखने के लिए मूवीज़ देखने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी मूवीज़ बन रही हैं और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, जिस तरह ये दोनों बैठे हुए हैं माशाल्लाह। मीरा तो मंझी भी हैं, बहुत वर्ल्ड ओवर में इनकी बहुत रिकग्निशन है और बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं इनके काम को, और खालिद को भी ज़ाहिर है वास्ता सा लोग पहचान रहे हैं वैसे तो। मेरे ख्याल में ही इज़ अ गुड सिंगर ऑल्सो। नहीं नहीं, खालिद सिंगर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन खालिद इज़ एन एक्टर जिसको यहाँ की अगर आप किसी भी लड़की से जो कॉलेज जाती है उससे आप खालिद के बारे में पूछें तो पहले वो एक चीख मारती है, उसके बाद खालिद का नाम लेती है। दैट्स व्हाट इट इज़। तो आई थिंक उनकी फिल्म जो है वो बहुत कामयाब जाएगी। आप फिजा फिल्म देखती हैं? जी देखती तो हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, टाइम ही नहीं, वही बात है टाइम इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो जो जिस वक्त यूट्यूब पर किया। मुझे क्या लगता है खालिद, तुम आप ना इन लोगों को इनवाइट करें अपने प्रीमियर पे, सो दैट दे गाइस कैन कम एंड यू गाइस कैन एक्चुअली सिट देयर एंड वॉच इट। एक काम करते हैं, आई नो कि वाजिद तो देखते हैं और वाजिद देखेंगे, हम लोग गरीब लोग हैं मैं और वाजिद ना, तो हम लोग कोने में जाके अकेले अपने पैसे से खर्च करके फिल्म देख लेंगे। वाजिद जितने प्रीमियर होते हैं मेरी कोशिश थी मैं उनमें नहीं जाऊं, मैं टिकट खरीद के जा रहा हूं ताकि पाकिस्तानी सिनेमा को और पाकिस्तानी। अच्छा ये तो वाजिद की कोशिश होती है ना, मुझे तो कोई बुलाता ही नहीं है तो इसलिए मैं जाता ही नहीं। तो मैं आपको पहले बाजी का ट्रेलर दिखा रहा हूँ, पहले वो ट्रेलर देख लें, आप भी देख लीजिए। आप दोनों तो देखा हुआ है। आपने अगर नहीं देखा और मिस किया है तो प्लीज इसको देख लीजिए एंड देन यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। प्लीज वॉच दिस, हमारी फिल्म को फायदा होगा। स्टार है नहीं, स्टार थी 10 साल पहले, वो टाइम चला गया तुम्हारा बीबी। ये मेरा टाइम है और ये टाइम हमेशा रहेगा। जमाना है थिएटर का, स्टेज पे अपने जलवे दिखाने का। जाके मार्केट च रौला पा दियो कि शमीरा ने थिएटर ते काम करन दा 30 लाख रुपया लिया। थिएटर करेगा मैं फट। आपको जरूरत है एक ऐसे सच्चे और मुखलिस दोस्त की
जो आपको ऐसे मतलबी लोगों से ना बचा के रख सके। आज मैं जिस मॉल गई थी ना, वहाँ तेरे जैसा एक भी टीचर नहीं था। अरे आशिकों का वक्त बदलने में देर नहीं लगती। आप ये समझे कि आपकी बेटी पराए देश जा रही है कमाने। अब तू मैडम नेहा बन गई है, फिल्म स्टार शमीरा की सेक्रेटरी। शमीरा जी आपको बता चुकी हैं कि अब वो स्टेज पे आइटम नहीं करेंगी, अब वो करेंगी तो सिर्फ फिल्म करेंगी। लाइट्स कैमरा एक्शन। रोहेल खान। शाम नशीली है थोड़ी 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 पहेली है। इस फिल्म के लिए मेरा एक खास विजन है, आखिरी मिनट पर अगर उसे कोई और लड़की पसंद आ गई तो शमीरा की जगह लेने के लिए आई थी। इब्तिदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बाजी। मैं बाजी नहीं, शमीरा हूं। All right, so let's ask. जी फिजा, क्या कहती हैं आप? Wow, amazing. I mean, eye opener actually. मैं वाकई हैरान हुई हूँ देख के कि after few years, जब आई थी वो movies कुछ ऐसी कि जिस पे सब लोग खिंचे चले जाते थे cinemas में, आपकी movie में वो बात है. Thank you. Wow. Inshallah, you'll get through it. Inshallah. Amazing. जी. बहुत अच्छे. Are you going to watch it? Definitely. You're going there to yes, watch it. मैं बता रहा हूँ, प्रीमियर के लिए आप बुला लीजिए, प्रीमियर में ये भी, इनको भी आना चाहिए और इनको भी आना चाहिए. Definitely. मतलब इसमें मुझे सारी वो realities जो कि तकलीफ की realities भी होती हैं, फिल्म इंडस्ट्री से related, एक्टर्स एक्ट्रेसेस की लाइफ से related, वो सब मुझे इसमें इतने से उसमें नजर आई है कि ये वाकई ये basically जो पर्दे के पीछे की हकीकत है वो मैं आया. Exactly. Wow. अच्छा, मैं जब वापस आऊंगा तो बाजी के बारे में सवाल नहीं करेंगे अगली ब्रेक में. अगली ब्रेक में हम ये पूछेंगे ईद कैसे मनाते हैं और उनमें से कौन कौन मुझे ईदी दे रहा है आज. यार कभी जिंदगी में मुझे किसी ने ईदी नहीं दी है, अदर देन माय डैड. आई हैव नेवर एवर 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 हैव एवर रिसीव्ड एनी ईदी फ्रॉम एनीवन. आज मैं देखता हूं कि कौन मुझे ईदी दे रहा है. छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. विल बी राइट बैक. ताहिर, आई एम रियली बिगेस्ट फैन ऑफ योर शो एंड यू आर रियली रियली, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. थैंक यू. और मैं ये बताना चाहती हूँ सबको कि साहिर जैसा कोई नहीं. जोर से. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. लेट्स आस्क विद यू, आपसे शुरू करते हैं. मीरा, ईद कैसे मनाती हैं आप, नॉर्मली क्या होता है? साहिर, आई एम रियली बिगेस्ट फैन ऑफ योर शो एंड यू आर रियली रियली, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. थैंक यू. और मैं ये बताना चाहती हूँ सबको कि साहिर जैसा कोई नहीं. पूरे एशिया में, इंडिया पाकिस्तान में हमारे पास एक ही साहिर हैं और वो हैं साहिर लोधी. वाह, वाह, वाह.
आपको ईद मुबारक. आपको ईद मुबारक. आप बहुत अच्छी लग रही हैं. और आपके शो पर दिल चाहता है कि बार बार आने को दिल चाहता है. इतना प्यार मिलता है और इतनी और आपकी ऑडियंस और ये जो आपके टाइगर्स हैं ना, ये टाइगर्स आपके बहुत ही आप सबको मेरी तरफ से, बाजी की टीम की तरफ से, बाजी की तरफ से ईद मुबारक. और आपको सबको टिकट फ्री में मिलेगा. साहिर की सारी टीम को मेरी There you go. That's it. अच्छा ये सारे टिकट्स जो हैं वो मेरी तरफ से होंगे और साहिर की पूरी टीम को और कैमरा डिपार्टमेंट और जितने भी इस वक्त यहाँ पर लोग हैं सबको मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री टिकट और आपके लिए स्पेशल शो होगा. वेरी गुड वेरी गुड. ओ उस्मान, सो क्या ईद पे क्या करते हो तुम नॉर्मली? यूजली तो जी फैमिली के साथ, टोटल फैमिली अफेयर होता है. मेरे वालिद और मेरे भाई के साथ हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं. okay. और फिर वापस आके बहन के हाथ की सेवैयाँ खाते हैं हम. wow. और फिर जस्ट दोपहर के खाने तक इट्स अ वेरी क्लोज फैमिली अफेयर. उसके बाद फिर उसके बाद फिर रिलेटिव्स वगैरह से. आई थिंक शायद सभी के घरों में ऐसा ही होता है. आई थिंक दैट दैट्स व्हाट वी डू. आप क्या करती हैं नॉर्मली? मैं ईद इस तरह हमारे घर में इस तरह मनाई जाती है कि जितने बहन भाई हैं और बाकी लोग हैं ये सब पहले कब्र पे जाते हैं अपने बुजुर्गों की. ऑब्वियसली. और नमाज के बाद वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से पहले उससे पहले मैं रात को शीर बना लेती हूँ. okay. मैं खुद बनाती हूँ अपने हाथ से और बकौल लोगों के इतनी अच्छी शीर कभी नहीं खाई किसी ने. तो वो शीर खा के नमाज पढ़ने जाते हैं. हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे क्यों होते हैं? कैसे हमें लेट क्यों बताते हैं? कम से कम पहले बता दें यार. और लेके आ जाती हम आपसे रिक्वेस्ट कर देते. जरूर जरूर खिलाएंगे आपको. या यार जिंदा सोबत, बाकी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इंशाल्लाह. फिर उसके बाद जोर की नमाज ये वो. फिर घर में, हमारे घर में एक काम जरूर होता है, पुलाव जरूर बनता है ईद वाले दिन. पुलाव जरूर बनता है, कुछ भी और चीज नहीं. चिकन का या मटन? नहीं नहीं नहीं, चिकन तो बिल्कुल खाया नहीं जाता. मटन 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 का. ओके. तो वो इतनी देर में ये लोग नमाज पढ़ के आते हैं, मैं बना चुकी होती हूँ नाश्ता, चूँकि करते नहीं है, सिर्फ शीर खा के जाते हैं. फिर आके वो पुलाव शुलाव खाना ये वो, फिर ज़्यादातर सो जाते हैं. फिर शाम के टाइम आती है, मेहमान आते हैं, हम लोग जाते हैं. लेकिन उससे पहले ये होता है कि ख़वातीन घर की ज़रूर मेहंदी लगवाती हैं, लड़की बुला लेते हैं घर में, तो आके हाथों में पाँव में जिस जिसने लगवानी है सबके मेहंदी लगती है. अब तो मेरी बहू भी है तो हम बहुत एहतमाम करते हैं उसका. How do you celebrate? जी तैयारी तो चांद रात से शुरू हो जाती है, जब मेहंदी चूड़ियाँ और उसके बगैर ही इनकम्प्लीट होती है. और मैं भी रात को बना लेती हूँ सेवैयाँ. और सुबह क्योंकि नॉर्मली जल्दी उठने की आदत नहीं होती और उस दिन जल्दी उठना होता है, तो वो फिर सबको उठाने का काम और फिर घर के आदमियों ने नमाज पढ़ने जाना होता है और फिर वापस आके एग्जैक्टली नुसरत वाली रूटीन है, आके सो जाते हैं सब वापस और फिर दो घंटे की स्लीप लेके और दोपहर को उठते हैं. मेरे साथ ये होता है कि मेरे जो ससुराल हैं वो सब मेरे हस्बैंड के भाई वगैरह सब इकट्ठे हो जाते हैं, हम लोग इकट्ठे करते हैं. ईद एक्चुअली मनाने का मज़ा ही इसी तरह आता है कि हम लोग सब इकट्ठे होकर ईद मनाएँ. वाजिद, ईद पे नॉर्मली हम रात में काम कर रहे होते हैं तो पूरी रात हम सोते नहीं हैं और सुबह फिर नमाज़ पढ़ के. और मैं, हमारे घर में शीर खुर में तो कोई इतना बड़ा कोई फ़ैन नहीं है, तो हलवा पूरी बनती है हमारे घर में, तो हलवा पूरी खा कर और फिर 9:30 तेरा घर का यार मुझे बता दे यार. मैं पीछे ही बिल्कुल डिस्टेंस पर है. मैं शीर खुर में का भी फ़ैन हूँ लेकिन हलवा पूरी मुझे बहुत अच्छी लगती है. हलवा पूरी अम्मी बनाती है अपने हाथ से और उसके बाद हम पूरी रात जाग कर और सुबह 9:30 लाइटें बंद करके मोबाइल साइलेंट में डाल के सो जाते हैं. फिर हम उठते हैं शाम में 4:30. तो क्या जरूरत है उठने की, मत उठा करो. साढ़े 4 उठना है तो क्यों उठना है? उसके बाद ईद स्टार्ट होती है शाम में हमारी. अच्छा तुम्हें आज तक सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली है? मुझे ईदी बचपन में मिलती थी, अब तो देने का सिलसिला ज्यादा है. मुझे 3,500 मिली होगी मैक्सिमम, उससे ज्यादा क्या मिली होगी. सास देती हैं अभी, 7,000 का नोट दे देती हैं. तुम्हारी सास? हाँ, वो 1,000 का नोट देती हैं मुझे मेरी जी.
I was about to say something, but then I decided not to. So, जी अब कोई ईदी नहीं देता, अब हम ही देते हैं ईदी. अब आप देती हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा कितनी मिली है ईदी आपको? मुझे मिली होगी यही जो 3,500-4,000 मैक्सिमम. इससे ज़्यादा कभी नहीं मिली, क्योंकि ईदी देने का असल ये होता है कि ये नहीं ज़्यादा से ज़्यादा ये दे. इस तरह दिया करते थे हमारे पेरेंट्स के वो इतनी हो कि बच्चे आराम से खर्च कर सकें. Okay. मतलब इतनी ज्यादा नहीं देनी कि वो फिर बाद में माँ बाप ले लेते हैं बच्चों से. आपको कितनी मिली सबसे ज्यादा? हाँ मैं आपको बताती हूँ. देखिए अब्बू की बताती हूँ, बाकी तो अब बाद में तो खैर बहुत बहुत ज्यादा मिलती रही. लेकिन अब्बू का एक ये था कि वो सब बच्चों को इक्वल देते थे. मुझे सबको अगर 50-50-50 मिल रही है, बचपन की बात बता रही हूँ, तो मुझे हमेशा 100 रुपये देते थे. आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हमेशा यही हुआ है. फिर मेरे बच्चों के साथ भी वो यही करते थे. बाकी सारे पोते पोते नवासी नवासों को 100-100 दे रहे हैं, तो उनको 500 रुपये दे रहे हैं. Oh. तो मैं ही क्या हो रहा है भाई, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. लेकिन बाहर वो जो भी उनके वो नोट थे ना, वो मैंने संभाल के रखे हैं. चाहे वो 100 के थे 500 के थे, वो संभाल के रखे हैं. मैक्सिमम ईदी कितनी मिली है? मुझे जिंदगी में एक ही दफ़ा लॉटरी लगी थी. मैं लाहौर गया था, पूरा खानदान इकट्ठा हुआ था, तो 20,000 रुपये मिले. सबने किए होंगे. वाह वाह वाह. मीरा आपको कितनी मिली है मैक्सिमम? मुझे तो अच्छी खासी ईदी मिलती है, और अम्मी से अबू से सबसे ईदी मिलती है, और मैं जितने भी मेरे छोटे कजन्स हैं फैमिली में सब लोग, और मैं सबको ईदी देती भी हूँ. और जितने भी हमारी फैमिली में सब बड़े हैं तो वो सब सब मुझे ईदी मिलती हुई है. बट मैक्सिमम कितने मिली? मैक्सिमम मुझे मैक्सिमम बताना नहीं चाह रही हम. नहीं नहीं याद है, लेकिन मैक्सिमम गिफ्ट्स मिलते हैं. मतलब गिफ्ट्स मिलते हैं. क्या क्या मिला? मैक्सिमम कभी 10,000-20,000 डॉलर्स. नहीं डॉलर्स नहीं, अम्मी ने डॉलर्स नहीं, लेकिन 25,000 पाकिस्तानी. मैं आपको वैसे बताऊं, हम सबको बाजी की कास्ट में एटलीस्ट आमने लियाज बीट कर देती हैं. अभी हम एक शो पे गए हुए थे, उन्होंने हमें बताया कि एक दफ़ा बड़े कैजुअली बता रही थी हम, एक दफ़ा मुझे 1,00,000 रुपये मिली थी. हमारी हवाइयाँ उड़ के, मैंने कहा 1,00,000 रुपये? कहती है हाँ बस वो मिल गई थी. और लाइक आपने पता किया दिया किसने था? ये इम्पोर्टेंट है. अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 रुपये कॉन्स्टेंट. Always and always. 1,000 रुपये मिले मुझे सबसे ज़्यादा. That's it. साथ देती हैं ना, साथ देती हैं ना. I don't know why, but हाँ हाँ ले रहा हूँ ब्रेक, ले रहा हूँ ब्रेक, ले रहा हूँ. वो बचपन से ना कुछ एक अजीब सी बात है, मेरे साथ भाई अटैच हो गया था. तो आई वॉज ऑलवेज अ भाई, नो मैटर वॉट इट इज, हु एवर वॉज देयर, आई वॉज ऑलवेज अ भाई. एट टाइम्स माई फादर कॉल्स मी भाई. भाई आ गए, भाई ने ये कर लिया, भाई ने वो कर लिया. वी डू इट विद आवर सन अली भाई. मेरा बड़ा बेटा अली है, उसको उसके अब्बा भी भाई कहते हैं, मैं भी भाई कहती हूँ. अली भाई क्या हाल है? आपको अंदाज़ा नहीं है, जब कोई बहुत हसीन लड़की आपको भाई कहती है तो क्या होता है? छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. विल बी राइट बैक. आजा दिल जानिया वे तेरी मेहरबानिया, आजा दिल जानिया वे तेरी मेहरबानिया, आजा दिल जानिया वे तेरी मेहरबानिया, आजा दिल जानिया वे तेरी मेहरबानिया.
मेहरबानियां। यार सर आप तो वाजिद के लिए बहुत सारी तालियां। थोड़ा मेरा माइक बढ़ा दीजिएगा। अच्छा गए आप बॉस। That was really nice. That was really really nice. How did you like it? हाँ हाँ बात इसका वीडियो मैं दुबई शूट करके आया हूँ एडिट पे इंशाल्लाह उसको बहुत जल्द देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह यार अमेजिंग म्यूजिक अमेजिंग वोकल्स और कंपोजिशन भी मेरी ही है म्यूजिक एंड डेफिनेटली मैं कंपोजिशन तो म्यूजिक डायरेक्टर हूँ तो कंपोजिशन और अरेंजमेंट सब मेरी है इसकी। अच्छा और लिरिक्स किसके हैं? एस के खलिश ने लिखे हैं। इज अ वेरी गुड ओएसटी राइटर। नाम बहुत अच्छा है एस के खलिश। जी जी काफी गाने लिख चुके हैं। हाँ बहुत बहुत अच्छा नाम है खलिश। जी जी खलिश इज समथिंग दैट यू नो वी कैन ऑल रिलेट टू एस के खलिश। अच्छा तो इट वाज जस्ट लवली। बहुत बहुत अच्छा था। अच्छा कुछ हम गेम खेल रहे हैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाते हैं आपको इस ईद पे उनको कुछ मशवरा देना है। वी हैव प्लेड विद यू वी हैव प्लेड विद यू। तो उस्मान यू हैव ऑल द लिबर्टी इन द वर्ल्ड। ओके डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक। ओके ठीक है यहाँ पर एक पिक्चर आएगी तुम्हारा जो दिल चाहता है जो मशवरा देना उनको दे दो इस ईद पे। ठीक है मीरा डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक। आपने जो मशवरा देना है वो आप इनको मशवरा दे सकती हैं जो भी तस्वीर आएगी यहाँ पे। ठीक है जी एंड ऑफ कोर्स अगेन सेम गोज फॉर यू एंड सेम गोज फॉर यू। ठीक है जी मैं यहाँ पर हो जाता हूँ वाजिद के साथ खड़ा हूँ। लेट्स अच्छा और ये ऑडियंस को इन्वॉल्व होना है ताकि पता चले कि हमारे इसमें ऑडियंस मौजूद है। जो पिक्चर आएगी अगर आपको कोई बहुत अच्छा लगता है तो आपने बहुत सारी तालियां बजानी। कैसे बजानी है? Here we go. Here we go. This is the first picture. कुछ पता नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हैं? Sorry वो अच्छा हम पहली पिक्चर जो लगा रहे हैं उस पर नुसरत आपका कमेंट सबसे पहले आएगा। We'll start with you. Here we go. सना सना wow! Stunning. Stunning. Stunning, my stunning. Okay. I think makeup is on point. Makeup is on point. Okay. मीरा फिटनेस। आहा क्या बात है। यस ट्रू सर मेरे ख्याल से फिल्म से ज़्यादा ड्रामों में बहुत अच्छी लगती है मुझे। फिल्म में इतना मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं कर लेकिन ड्रामों के अंदर शी इज लुकिंग वेरी प्रेटी एंड ग्रेट। तो इतना सच क्यों बोलता है हर काम यार मुझे जो दिल से आ रहा है वो बता रहा हूँ मैं आपको। दिल से आ रहा है बहुत जोर का। दिल को थोड़ा काबू रखो काबू रखो काबू रखो थोड़ा दिल को। जी जी वेरी वेल मेंटेन्ड वेरी वेल मेंटेन्ड ऑफ कोर्स। ओके जी आगे दिखाइए। I think good future. All right. Yeah, I think he's graduated into a very fine actor. My best friend. Oh, wow. Good actor. I think it's a complete package. अच्छा actor है वो. Complete package. Dancer भी अच्छा है मैंने उसको देखा हुआ। क्या विषय का तुम 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 break में ना मेरे पास उधर कोने में हम लोग बात करेंगे भाई। मैं बहुत सारा काम पता है मुझे वाजिद पता है। हाँ. He's a good actor. But his father is more handsome. एक हो गया। सॉरी यार एक हो गया ये एक हो गया। हाँ जी दिखाइए। जी आयजा 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 आई नो आयजा बस ठीक है प्रिटी ओके। इनको स्क्रीन से ब्रेक नहीं लेनी चाहिए थी। ब्रेक नहीं लगनी चाहिए ओके ये मशवरा है आपका। मतलब मशवरा आयजा ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। जी Again, pretty. Okay, sir, you. Pretty. No, no. मशवरा तो कोई दो। हाँ, ये तो well maintained हो गया। बहुत अच्छी हैं, well maintained हैं। शादी के बाद भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत अभी ये बड़ा अच्छा सीरियल आ रहा है। मशवरा, मशवरा। मशवरा ये कि keep going. Keep going. Yeah. Yeah, there you go. There you go. That's it. जी. Yes, keep going well and she is one of the actresses जो beauty के साथ innocence भी है उनके चेहरे पे. Wow. One more picture and then we'll go and take a break. Oh, Momal. Wow. कालिया. जी she's pretty yes stay crazy yeah yeah बहुत ही प्यारे बाप की अच्छी बेटी सर okay फिजा good looking ये तुम्हारा फोन है अबे सेवन स्काई से कोई जुल्फिकार है उनका फोन आ रहा है उठा ले कोई नहीं छोटा सा ब्रेक है जी आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद से बात करता हूं। तुमने कभी फिल्म नहीं की? मैं भी कर रहा हूँ एक दो नहीं नहीं एक्टिंग में नहीं एक्टिंग का सोचा नहीं है कभी ऐसे गाने का भी कभी नहीं सोचा था। अब तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी तुम बाजी के कुछ डायलॉग्स बोलोगे हम तुमसे एक्टिंग करवाएंगे आज। बोल दूंगा बाजी 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 चूलो बोल दूंगा।
once again. Welcome back. And 1, 2, 3, 4, 5, go. Yes. Okay, ji. अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे लेना चाहती है, मैं क्राउड को बिल्कुल राइल्ड अप कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल. किसी भी जगह मुझे आजमा लीजिए, मैं पूरा उतरूंगा. बट देन अगेन, किसी पार्टी के साथ नहीं, पैसे दीजिएगा उसके. बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता. अच्छा जी, लेट्स गो हियर एंड दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, लगाइएगा. कम ऑन नाउ, शान. वन ऑफ द बेस्ट एक्टर ऑफ पाकिस्तान. बेस्ट एक्टर ऑफ पाकिस्तान. ओके जी, मशवरा क्या है इनको? Keep going. Okay. Usman. Please direct more films. Please direct. Oh, I like that. Because Shan is an exceptional director. I like that. MashaAllah. Taliyan ke liye. Baqai. Okay. Meera. Aur film mein direct karein. Zyada se zyada. Absolutely. Balki bada production house inko. Apne banner ke niche. Aur bhi jitne bhi talented log hain jo film mein banana chahte hain, unko sikhana chahiye. और अपने प्रोडक्शन हाउस उसके बैनर के ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनाएं. वाह, वंडरफुल. डायरेक्शन सब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इनसे डायरेक्शन सीखना चाहते हैं. हाँ, तो वंडरफुल. यस, आइकॉन ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और प्राइड ऑफ पाकिस्तान, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है. और अब एज अ डायरेक्टोरियल डायरेक्टर से भी अपना कैरियर स्टार्ट किया, तो उसमें मुझे लगता है कि ये अपने तमाम गोल अचीव करेंगे. वाह, वेरी नाइस. Yes, same here. We can do a lot more for Pakistan film industry. Film industry ko bahut zyada zarurat bhi hai in jaise icons ki, and he should keep on doing this. Wow! All time favorite. Haan ji. I think it's time she returns to the big screen. Yeah. Like with a big production. Yeah, I think I like that. Yes. Very talented and very talented, Saima ji. I really respect her. Wow. Ji. Very, very talented, no doubt. और अब dramas कर रही है, मशवरा ये कि dramas ज़्यादा करें, ज़्यादा dramas करें. Film नहीं करें. Film अब अगर अच्छी बने और अगर उनको उनके म्यार पे suit करे तो definitely करें. लेकिन drama अच्छा कर रही है, मैंने इनकी दो dramas देखे. All right. I second that. जी, मूवीज़ के बाद ये ड्रामास में आ रही हैं और ड्रामास इनके बहुत अच्छी इनकी एक्टिंग नज़र आ रही है उसमें. शी शुड कीप ऑन डूइंग दिस. शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हीरो. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आगे दिखाइए. वाओ, हाँ जी. अब ये कहना बड़ी अजीब सी बात लगती है यहाँ पे बैठ के, लेकिन ये मेरे बचपन के फेवरेट एक्टर्स में से हैं. जस्ट फेवरेट एक्टर. मैं इनको क्या मशवरा दूं, मैं तो इनको कहूंगा ये मुझे फोन करके मुझे मशवरे दें एक्टिंग से रिलेटेड. बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, और इनको देख देख कर जुनून पैदा हुआ, शौक पैदा हुआ. और इनके इन्हीं लेजेंड जो इन्हीं लोगों के नक्शे कदम पर चलते चलते हम भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने में कोशिश में है, अपनी जगह बनाने में. बहुत बड़ा नाम. आई थिंक मेरे पास तो अल्फाज नहीं है इनके लिए. लेजेंडरी आर्टिस्ट, मसलन उनको जुमले नहीं है. दो मरतबा ज़िंदगी में इनके साथ काम किया और 2 घंटे में इतना कुछ सिखा गए कि शायद 18-20 साल में भी नहीं सीखा होगा. तो ट्रू लेजेंड, नो डाउट, कोई दो राय नहीं है. तुम अभी वली के साथ नहीं बैठे हो. अच्छा, तुम 2 घंटे इसके साथ काम करो, तुमने 18 साल में जो सीखा होगा वो भी भूल जाओगे. जी, ज़बरदस्त एक्टर हैं और इनको काम करते रहना चाहिए. आई थिंक अभी भी इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इवन मूवीज. अभी आई थिंक ही इज नॉट लेफ्ट, राइट? हैज ही? नहीं, अभी अभी अभी. हाँ. दिखाइए जी. वाह, ये तो हमारे पीटीआई के हैं भाई. मुझे पता था. जी, हाँ जी. मोर ऑफ हिम ऑन द बिग स्क्रीन प्लीज. या डेफिनेटली, 100%. अब ग्रेट एक्टर, अच्छे एक्टर हैं, अच्छे मिजाज के हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं. वंडरफुल सर. फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, नो डाउट. फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, यस. अब आई पीटीआई, अब जाई पीटीआई. ये पीटीआई के हमारे फसन है. और जी, आगे दिखाइएगा. वाह जी, वाह
बहुत कुछ सुना है इनके बारे में. वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर. Amazing person though. Mm. Amazing person. Wonderful person. मिली नहीं हूँ मैं इसलिए मुझे पता नहीं है. अच्छा. Wonderful person. Wonderful person. Sir. As an actor and मतलब as a मैं सिर्फ ये इनको कहना चाहूँगा कि इनकी एक production company है which makes superlative dramas. इनको और experiment करना चाहिए अपने content के साथ. बहुत अच्छे दोस्त और हमने फिल्में एक साथ शुरू की थी मेरी इंतहा और काम को समझने वाले बहुत ही very talented हुमायूं सईद और अभी जो इनकी फिल्में आईं उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाबी हासिल की और मेरी दुआ है कि और भी अच्छी फिल्में आप दोबारा इनके साथ काम करेंगी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह दोबारा फिर काम करेंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह ट्रू आर्टिस्ट ऑफ फिल्म जब ये सिनेमा पे आते हैं स्क्रीन पे तो लगता है कि वाकई कोई खड़ा है आर्टिस्ट है और बड़े डाउन टू अर्थ हैं. इनके साथ तो बहुत सारा काम कराया कर रहे हैं. अच्छा प्रोड्यूसर तुमने कभी फिल्म नहीं की? मैं भी कर रहा हूँ एक दो. नहीं नहीं एक्टिंग में नहीं एक्टिंग का सोचा नहीं है कभी. ऐसे गाने का भी कभी नहीं सोचा था. अब तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता. तुम बाजी के कुछ डायलॉग्स बोलोगे हम तुमसे एक्टिंग करवाएंगे आज. बोल दूंगा बाजी 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 चूलो बोल दूंगा जी. हुमायूं सईद इज एक्सीलेंट एक्टर और बहुत अरसा हो गया उनको मैंने देखा नहीं है ड्रामास में भी. और आई डोंट नो व्हाई वो ड्रामास तो नहीं करते. आयजा खान के साथ आ रहे हैं बिग बैंग का. आयजा खान के साथ का ड्रामा आ रहा है. अच्छा ऑलराइट जी आ दिखाइए. वाओ. अच्छा थोड़ा थोड़ा जो आपकी जो तालियां वो थोड़ी मिली जुली है थोड़ी ज्यादा बजाई है क्या है जी? जी She should start a fashion blog. Absolutely. Very pretty. Very pretty. Very talented and very pretty, no doubt. Beautiful face. Again. Wow. ये तो बहुत मुझे लगता है बहुत अजीम इंसान है. Really? Actor के अलावा भी. Yes. Wow. All right. जी. Most definitely. अब क्योंकि सब कोई तारीफें कर रहा है मैं सिर्फ मशवरे दिए जा रहा हूँ. I would also like to say. I've had the pleasure of spending a lot of time with this man and he is absolutely phenomenal. In jaisa aadmi maine nahi dekha, inka sense of humor, inki knowledge, inko ek institution khol dena chahiye aur mujhe usme enroll hona chahiye. Bahut hi talented aur bahut hi acche manje hue adakar aur producer bhi aur bahut acha kaam karte hain, bahut acche dost hain, bahut acche insaan bhi hain aur very nice human being. Wow, Ajit. एवरग्रीन अदनान से दिखी भाई नो डाउट. जब से देख रहा हूँ उनको माशाल्लाह वैसे ही लगते हैं एवरग्रीन है अल्हम्दुलिल्लाह. जी ये मेरी चाइल्डहुड से मुझे ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते थे. ये एज अ हीरो ही वाज अमेजिंग एंड ही स्टिल इज़ अमेजिंग माशाल्लाह. और लगता है टाइम ने इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ा. और एज एन एक्टर एज अ पर्सन इनकी पर्सनैलिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है. वेरी डिसेंट एंड वेरी इम्प्रेसिव. वन लास्ट पिक्चर. Wow. Yes. One man with lot of talent in one man. He can sing, he can act, host, he can dance, he can dance, everything. One of the best dancers I've seen in this industry. मशवरा तो मैं इनको नहीं दूंगा कोई बिकॉज लाइक ही इज जस्ट सो फिनोमिनल एज एन एक्टर. आई जस्ट लाइक टू से मोर ऑफ द सेम. बहुत अच्छे एक्टर हैं और वर्स्ट स्टाइल एक्टर हैं. इन सबको वैसे हम मशवरा जरूर देंगे कि बाजी फिल्म देखिएगा. हाँ बाजी फिल्म देखिएगा. जी ऐसा बहुत अच्छा दोस्त. ऐसा बहुत अच्छा दोस्त और ही इज अ वेरी गुड एक्टर और कंप्लीट एक्ट्रेस. हम कहते हैं कंप्लीट पैकेज का जो पैकेज ऑफ कोर्स. ज़बरदस्त एक्टर हैं और थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनको उनकी जगह नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी क्योंकि हाँ मतलब ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर और जो मुझे लगता है कि इनको इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में भी इनको ज़्यादा अच्छा वो मिलना चाहिए था. आई थिंक फिल्में बन रही हैं अब और बेहतर होगा और बेहतर होगा. हाँ मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ. ब्रेक के बाद कुछ और गेस्ट हैं जो हमको ज्वाइन करेंगे वो भी राइट बैक. अभी अभी मिलते हैं. और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अलॉन्ग विद भाभी कि आपने प्रीमियर में ज़रूर आना है. नहीं हम ज़रूर आएंगे और हमारी ये भी ख्वाहिश होगी हम भी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप और हम सब साथ चलें इनकी मूवी को देखने के लिए. आई एम गेम. आई एम गेम. एब्सोल्युटली.
ईद पे आप उन लोगों से मिलते हैं जो जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। अक्सर मेरी इनसे मुलाकात या प्लेन्स में होती है, या कभी किसी एयरपोर्ट के कॉरिडोर में होती है, कभी हम एक ही लाउंज में बैठे होते हैं। लेकिन मैं जब भी इनसे मिलता हूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इन्हें देखा हो और मैंने आगे बढ़ के इन्हें गले ना लगाया हो, या इन्होंने मुझे देखा हो और इन्होंने आगे बढ़ के मुझे गले ना लगाया हो। लॉन्ग टाइम बैक मुझे याद है कि जब उर्दू की बात आती है तो ये बहुत खूबसूरत उर्दू बोलता है। और जब मैंने आगाज़ किया था अपने करियर का, तो जिन चंद लोगों को मैंने ज़बान के मामले में फॉलो किया है, इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। ऑफ कोर्स उनका स्टैचर इतना बड़ा है सियासी लिहाज से कि उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप उन्हें यहाँ भी जानते हैं, उन्हें पाकिस्तान में भी जाना जाता है, उन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं या वो लोग बसते हैं जो उर्दू ज़बान से वाकिफ़ हैं, वो इनके नाम को जानते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नहीं अभी आप लोग बजाएंगे, मुझे पता है आप लोग बजाएंगे, एंड आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। बहुत सारी तालियों में डॉक्टर फारूक सत्तार। भाभी सलाम अलैकुम। जी जी यार, ये यार, वो यार, यार लग रहा है सर, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हम? ठीक है। बहुत सारी तालियां डॉक्टर साहब के लिए और अक्षय भाभी के लिए। यार मजा नहीं आया, देखो फिर नाम शिनाम नहीं मिलेगा, मजा नहीं आया बिल्कुल भी। ईद मुबारक। और मुझे यहाँ पर नेशनल टीवी पे अपोलोजाइज करना है आपसे, मुझे आना था अफ्तार में और मैं बर्मला कहता हूँ, मैं नॉर्मली नहीं जाता, मेरे पास ऑनेस्टली टाइम नहीं होता, लेकिन फारूक भाई से मेरा प्रॉमिस था, लेकिन मैं यहाँ से निकल ही नहीं पाया लिटरली। मैं आपको पता है दैट आई लव यू एंड देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और मैं नहीं निकल पाया, तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये अपोलोजी कर लूँ। लेकिन मैंने इफ्तार भिजवा दिया था आपको। अच्छा, भिजवा दिया था। वाह, वो मुझे क्यों नहीं मिला? वो आप तक पहुंचा नहीं। ये पूछो कि मुझे वो अवतार क्यों नहीं मिला है? ये कौन आदमी है जो मेरा फारूक भाई के दरमियान आया हुआ? वेरी बैड सर। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। कैसे हैं आप? कैसे हैं? अल्लाह का बहुत करम है और तमाम अहले वतन को, देखने वालों को, दुनिया के तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। और असल खुशियाँ ईद की यही है कि सबको साथ लेकर उन खुशियों में शरीक करें, और शीर खुरमा भी अकेले ना खाएं, सबके साथ मिलकर खाएं। वाह। हमें तो जी बहुत लेट पता चला कि शीर खुरमा बहुत अच्छा बनता है, पर हमें बहुत ज़्यादा लेट पता चला, इसलिए हमारे पास है ही नहीं शीर खुरमा। भाभी आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? ठीक हैं। आप सबको बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। आप शीर खुरमा बनाती हैं? जी मैं ही बनाती हूँ एक्चुअली, ईद के दिन। अच्छा। वैसे तो जो हमारी मेड है वो बनाती है, ईद के दिन मैं बनाती हूँ। ईद के दिन आप बनाती हैं, तो आप ही ले आती हैं आज? हाँ सॉरी, आप जरा सा आपने कहा होता हम ले आते हैं। चलिए हम आपको भिजवा देंगे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने तमाम लोगों से पूछा है कि ईद आप लोग कैसे मनाते हैं, तो आप कैसे मनाते हैं फारूक भाई? सुबह नमाज पढ़ते हैं ज़ाहिर है, और अब जिना ग्राउंड में तो नहीं पढ़ रहे लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं। और हम जहाँ भी पढ़ रहे हैं हमारे लिए वही जिना ग्राउंड है। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद असीरों और शहदा के लवाइकीन, उनके घरों को विजिट, उन्हें भी ईद की खुशियों में शरीक करना, याद रखना, उनके मिशन को याद करना कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो रायगा ना जाए, इस बात का अहद करना। फिर उसके बाद घर पर आकर, बल्कि नमाज के बाद सबसे पहले वालदा की कदम बोसी करना, उनसे अपने सर पर हाथ फिरवाना और उनकी बहुत सारी दुआएं लेना, मेरे ख्याल में ये असल ईद है। उसके बाद बाकी चीज़ें भाभी सब आनी जानी। भाभी ये तो फारूक भाई की ईद होती है, आपकी ईद कैसे? आपकी वालदा अल्लाह ताला उनको उनकी उनकी हयात दराज करे, अल्लाह उनको सहायता दे। आमीन 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 आमीन। जिनकी भी वालदा हैं
और वालदा जिंदा है अल्लाह ताला उन सब को। अच्छा भाभी आपकी ईद कैसे गुजरती है? हमारी वैसी होती है कि जब ये जैसे सुबह गए ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए तो उस वक्त उनको थोड़ा सा नाश्ता थोड़ा देती हूँ, ये चले जाते हैं, फिर गेस्ट आने लगते हैं फ़ौरन ही, सबको पता होता है कि ये फर्स्ट हाफ में घर पे होंगे तो फिर उनकी सारी खिदमत में हम लोग लग जाते हैं, फैमिली फ्रेंड्स और कुछ अम्मी की तरफ के रिश्तेदार कुछ इनके, तो बस हम लोग पूरा डे हमारा बिज़ी होता है ना, ऑल डे बिजी बिजी। आपको आराम का मौका नहीं मिलता? आराम नहीं मिलता, लेकिन रात को आराम इस तरह मिलता है जब अम्मी के घर जाते हैं, वहाँ पे हल्ला गुल्ला होता है सारे बहन भाई सब, तो फिर वो आराम ही हो जाता है। अच्छा ये बताइए फारूक भाई ने आपको, फारूक भाई ने अब तक आपको सबसे ज्यादा ईदी कितनी दी है अभी तक? हाँ आज बता ही दीजिए आप। हाँ बताएं बताएं हम लोग सब जान रहे हैं। सबसे ज्यादा हम सब ने 35 क्या 1000 रुपीज़। सर प्लीज़ मैं आपके घर आ रहा हूँ सर प्लीज़। 35,000 रुपये तो मुझे अब तक नहीं मिले यार, कुल मिला के नहीं मिले। उसमें से एक्चुअली 10-10 जो बच्चों की होती है, मेरी दो बेटियाँ हैं हमारी। अच्छा तो बाकी जो बचे वो मेरी बस, ये होता है। अच्छा ऐसा होता है। अच्छा अच्छा मैं एक काम करने जा रहा हूँ, मैं आप फिल्म देखते हैं? देखते हैं मतलब सर्फिंग जब रात को सोने नहीं, सर्फिंग नहीं, आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। मीरा जी की, मीरा की और खालिद की एक फिल्म रिलीज हो रही है, इट इज़ कॉल्ड बाजी, साकिब मलिक ने इसको डायरेक्ट किया है। 28 को इनका प्रीमियर है, 28 को प्रीमियर है ना, 28 को प्रीमियर है, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैंने फिज़ा से रिक्वेस्ट की है, मैंने नुसरत से रिक्वेस्ट किया है कि ये लोग आएँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अलॉन्ग विद भाभी कि आपने प्रीमियर में ज़रूर आना है। नहीं हम ज़रूर आएंगे, और हमारी ये भी ख्वाहिश होगी, हम भी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप और हम सब साथ चलें इनकी मूवी को देखने के लिए। आई एम गेम एब्सोल्युटली मेरे ख्याल में उसको ज्यादा कलरफुल बनाएंगे। हाँ, आपको अभी मैं दिखाता हूँ, आप देखिएगा, लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे इंशाल्लाह। और ये रिवाइवल ऑफ सिनेमा इज अ वन गुड थिंग दैट हैज हैपेंड इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में ये बहुत अच्छी बात है, और इन सबको इसका क्रेडिट जाता है कि इन्होंने गिव अप नहीं किया, ये लड़ते रहे हालात से, एफर्ट से बहुत सब। अच्छा हमने इनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि आज ये लाइव परफॉर्मेंस भी यहाँ देंगे, एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू हैपन, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वी ऑल आर वेटिंग फॉर योर लाइव परफॉर्मेंस, कि कम से कम आपकी परफॉर्मेंस मुझे, हमें तो देखनी है। लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक लें, मैं आपको ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ, उस ट्रेलर के साथ हम ब्रेक पे चले जाएंगे। प्लीज वॉच दिस, आई एम एक्चुअली लविंग एवरी बिट ऑफ इट, प्लीज वॉच दिस। जमाना है थिएटर का, स्टेज पे अपने जलवे दिखाने का। जाके मार्केट से रौला पा दियो कि शमीरा ने थिएटर से काम करन ता 3 लाख रुपया लिया। थिएटर करेगा मैं फट। इब्तिदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बाजी, मैं बाजी नहीं शमीरा। फारूक भाई हमारे साथ है माशाल्लाह जबरदस्त, एंड मुस्तफा भाई हमारे साथ है, एंड हम दोनों आपके साथ हैं। Thank you. All right, ladies and gentlemen, ईद का मौका है, और ईद के मौके पे हमारा ये घर, हमारा ये सेट आपके लिए है, और टेलीविज़न देखने वालों के लिए है। मैं अब एक ऐसे शख्स को बुला रहा हूँ जिसका नाम पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं पॉलिटिकल कोई बात नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अनथक मेहनत की है इस शख्स ने, अनथक मेहनत की है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी ऑल नो हिम, वी ऑल लव हिम, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन मुस्तफा कमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मुस्तफा भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूं। इतने दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, सालों गुजर जाते हैं। हां या सालों गुजर गए। आप बताइए, यू हैव लॉस्ट वेट? हैव आई? यस। हां हां यू हैव, यू हैव।
just following you anyway. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. फारूक भाई हमारे साथ हैं. माशाल्लाह जबरदस्त. एंड मुस्तफा भाई हमारे साथ हैं. एंड हम दोनों आपके साथ हैं. मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था आपका, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने बताया कि आपको टाइम नहीं मिलता फिल्म देखने का. हाँ है ना, बिल्कुल नहीं मिलता ना. हाँ वही फिल्मी सितारों के साथ आपने हमें बिठाया हुआ है और आप ये वाली बातें याद करवा रहे हैं तो ये तो बड़ी गलत बात है आई थिंक. हाँ नहीं, वो मेरी अपनी नाहली है और देखनी चाहिए फिल्में, लेकिन बस नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज एंड वी ऑल विल गो टुगेदर, एक साथ सब मिल के जाएंगे. मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि एक फिल्म है जो साकिब मलिक ने बनाई है, द फिल्म इज कॉल्ड बाजी, और उसमें खालिद उस्मान है, खालिद हैं, और ऑफकोर्स मीरा हैं, आमना इलियास हैं, निशो बेगम हैं. 28 की इसकी रिलीज है, 28 जून. कोई डेट की तो पाबंदी नहीं ना, किसी डेट को देखनी है देख लेंगे. बहुत अच्छा लगेगा अगर, क्योंकि फारूक भाई आप कब जा रहे हैं? 28 को. बहुत अच्छा लगेगा. फारूक भाई तो देखते रहते हैं फिल्में, जो वो मेरे ही प्रॉब्लम है. इनको किसने मना किया कि ये फिल्में ना देखें? किसने रोका ये बताएं? हाँ नहीं नहीं, देखनी चाहिए, देखनी चाहिए. और आई थिंक हम लोग सब अगर मिलके चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. बहुत फिजा जी, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, आपने पूरी फैमिली के साथ आना है और ये फिल्म जरूर देखनी है. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पाकिस्तानी फिल्मों को कामयाब करेंगे तो पाकिस्तानी फिल्म कामयाब. व्हाई नॉट, बिल्कुल जबरदस्त इंशाल्लाह. अच्छा मैंने सबसे पूछ लिया है, आप रह गए, मुझे बताएं आप ईद कैसे मनाते हैं? डू यू एक्चुअली सेलिब्रेट या नहीं? वल आप उसको एक ईद की तो एक इनबिल्ट जो एक खुशी होती है. हाँ. एक उसके अंदर एक ताज़ापन, एक खुशी हो, वो तो डेफिनेटली रहती है खुशी. लेकिन वो हमारे इस एनवायरनमेंट में, जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ पर आप आंख बंद करके और अपने दिल को बंद करके रह नहीं सकते. और सोसाइटी और इस पूरे माशरे में, इस पूरे एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिल को बैठा देती है, ब्लीड कराती है. तो उस ईद की खुशियों में काश के हमारे पास ऐसे ज़राए हों कि किसी भी चेहरे को उदास ना रहने दें. लेकिन डेफिनेटली अल्लाह ताला ने एक लिमिट रखी हर चीज़ की, तो वो उसकी मिली जुली सी कैफियत होती है. कोई एक ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल रिलैक्स, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता है. और फिर हमारा जो ताल्लुक रहा है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक सारा, और जहाँ से हम पहले बिलोंग करते थे, वहाँ तो एक स्टीरियोटाइप, एक स्केजुअल बना हुआ था सारा, कि हम नमाज कहीं पढ़ते थे, जाते फिर कहीं थे, घर वाले हमें अपनी प्लानिंग में इंक्लूड करते नहीं थे, इसलिए कि होती नहीं थी चीज़ें सारी. अब जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं वो डिफरेंट जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करना पड़ता है. तो बहुत सारे शोदा हैं, लोग असीर हैं, लोग लापता हैं, वो एक सारा इन्वायरमेंट बनकर एक एक एक, एक जिसे कहते हैं ना, एक अजीब सी एक फीलिंग बनती है, खुशी और गम और दुख और गम सब साथ साथ वाला सारा. फारूक भाई बिल्कुल यही बात कर रहे थे. अच्छा, मुझे नहीं पता. हाँ, exactly. It's so strange. And we are working for that Eid, जो कि आए, और हम सही मायनों में इंशाल्लाह ईद के तौर पर उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं. क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक दिन तमाम लोग अपने डिफरेंसेस भुला के एक हो जाए? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? ये कोई कार्ड्स के अंदर है बात? जिस दिन साहिर लोधी ईद की नमाज पढ़वाएंगे उस दिन हम सब उनके पीछे पढ़ेंगे. ऐसा मुझे लगता नहीं है. मैं आपको बताऊं, इफ दैट इज इम्पॉसिबल, गॉड फॉरबिड. ये भी लोग समझते हैं इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. ऐसा होगा, आज नहीं तो कल होगा. अल्लाह करे. यू नो व्हाट आई वांट, मैंने बहुत सारे, मीरा आपसे भी कहता हूँ, आई थिंक आई एम श्योर कि हम लोग सब एक ही जैसा सोचते हैं, इवन फिजा भी यहाँ मौजूद हैं. असल में होता क्या है, पाकिस्तान है ना, मैंने पॉलिटिशियंस को डिफरेंसेस पे तो इकट्ठा होते हुए देखा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इकट्ठा होते हुए कम देखा है. अनलेस के हम पे कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला हो तो उससे इकट्ठे होते हैं. मेरी रिक्वेस्ट है, इतने बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो किसी भी काबिल नहीं हूँ. मैंने आपकी स्ट्रगल देखी है, आपको इस शहर को बनाते हुए देखा है, बेतहाशा मेहनत करते हुए देखा है. आपसे तो मैंने सीखा है लिटरली कि ज़बान में बोला कैसे जाता है, क्या उतार चढ़ाव कैसे आते हैं,
जब मैं खान साहब की बात करता हूँ तो ऑनेस्टली मैंने उनके साथ काम किया है, शौकत खानम के लिए काम किया है, मैंने सैलाब में उनके साथ काम किया है, मीरा के साथ जब मैं देखता हूँ मीरा को, तो मीरा के साथ वर्क यू नो जस्ट राइट बिसाइड हर एंड शी वॉज वंडरफुल, शी हैज टॉट मी सो मेनी थिंग्स. खालिद को जब मैं देखता हूँ एक्टिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत एक बहुत क्रिटिकल आर्टिस्ट है, ये अपने आप को खुद ही इम्प्रूव कर रहा होता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है. आई थिंक दिस शुड बी जस्ट वन डे इन माई लाइफ दैट आई शुड सी, एक दिन ऐसा हो सब लोग बैठ के पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान के लिए काम करें. आई थिंक वो ईद का दिन होगा हम सब के लिए. पता नहीं, मे बी आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक. हाँ, लेकिन जब से दुनिया बनी है और मेरा ख्याल है जब से आखिरी दिन तक, कभी भी ऐसा कभी कुछ भी नहीं होगा ना हुआ है कि भाई हर इंसान एक सोच का हो जाए. हाँ हाँ, ऐसा हो नहीं सकता. डिफरेंसेस ऑफ जो हमें जो, और अल्लाह का शुक्र है वो आ गई है, जो मैं आई मीन आई ऑलवेज सी हाफ ग्लास फुल वाली बात है कि आप ग्लास को आधा खाली ना देखें, जो ग्लास भरा हुआ है उसको देखें ऑप्टिमिज्म. और अच्छी चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ ये है, अच्छी चीज़ ये है कि आज फारूक सत्तार साहब के साथ जो है वो मैं एक ही प्रोग्राम में बैठा हूँ. अलग है. अच्छी चीज़ ये है. नहीं, मैं इसकी रीज़न बताऊँ, इसकी रीज़न. और ना सिर्फ फारूक सत्तार साहब के साथ बल्कि किसी के साथ भी कहीं भी हम मिलते हैं, बैठते हैं, बात कर लेते हैं, कोई इख्तलाफात को हमने दुश्मनी में नहीं बदला, ये इसकी बुनियाद डाली है. पहले ये माहौल नज़रियात के इख्तलाफात को पहले दुश्मनियों में बदल दिया गया कि आप एक दूसरे का सामना नहीं कर सकते. हम दोनों ने वो दौर देखा है, 90s का दौर देखा है यहाँ पे, कि तस्वुर भी नहीं था कि जिनके जिनसे आपके इख्तलाफात हैं, दूसरी पार्टीज के लोग हैं, वो आपके वो एक महफिल में आ जाएं, या वो एक जगह आ जाएं, या उनके आपके साथ आमना सामना हो जाए एक दूसरे को. मतलब इख्तलाफात का मतलब है कि मार देना है और मर जाना है, ये वाली बात ही. अल्लाह का शुक्र है कि आज ये माहौल इस कराची में, पाकिस्तान में. अच्छा, तो पहले भी कम था, आज भी नहीं है, आज यहाँ नहीं है. आप और फारूक भाई गले मिले, एक दूसरे से ईद मिली है? हम तो अभी तो मिल लेंगे, हम तो मिलते रहते हैं बेसिकली. अभी मिल लीजिए ना, अभी मिल ले. मैंने मिलाया, हाँ मिलाया. थैंक यू सो मच. थैंक यू फारूक भाई. थैंक यू. बगैर इमामत किए हुए ये काम कर दिया है. और अच्छा काम किया आपने. जब हम वापस आएंगे तो एक सरप्राइज आप सबके लिए है, छोटा सा ब्रेक है. आई एम सो ग्लैड दैट यू केम. आई एम सो ग्लैड. आई एम सो ऑनर्ड, सो ब्लेस्ड. आई हैव ऑलवेज लव्ड यू एज 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 माई ट्रू फ्रेंड एंड द वर्क दैट यू हैव डन. एंड फाइनली द क्वीन इज बैक. फाइनली द क्वीन इज बैक. फाइनली. अबाउट टाइम. मैं तो हमेशा कहती हूँ साहिर जैसा कोई नहीं, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में बल्कि पूरे एशिया में. साहिर हमारे पास सिर्फ एक ही हैं, वेरी पॉजिटिव. और साहिर हमेशा आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. और मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ. थैंक यू वेरी मच. एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाइएगा. अभी मुझसे मुस्तफा से ये पूछना है, ईदी सबसे ज़्यादा कितनी मिली है इन्हें? बिकॉज आई थिंक इनके और मेरे हालात तकरीबन एक जैसे ही हैं. मुझे नहीं लगता इन्हें भी बहुत ज़्यादा ईदी मिली होगी. छोटा सा ब्रेक, बोल भी राइट बैक. अच्छा, आपके बारे में लोग बोलते हैं आप थोड़े गुस्से वाले ज्यादा हैं, आपको नॉर्मली गुस्सा जल्दी आ जाता है, इज दैट ट्रू? वेल, मैं इंसान हूँ, मैं गुस्सा भी करता हूँ, मैं प्यार भी करता हूँ, मैं हंसता भी हूँ, मैं गमजदा भी होता हूँ. आप प्यार कब कब करते हैं? क्या है? What is this? अच्छा, this is my picture. Thank you very much. क्या नाम है आपका? शमा. Please sit. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का. I got this. अच्छा, मैं हमेशा जब कोई मुझे ऐसा कुछ देता है तो I look for my daughter's picture. मैं हमेशा मुझे लगता है कि इससे ज़ारा की पिक्चर किसी ने लगाई हुई होगी यहाँ पर. But thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया शमा के लिए. बहुत ही थैंक यू.
अच्छा I've got these wonderful people. एक और फिल्म है जो रिलीज हो रही है and that's also mid-July. Mid-July में वो रिलीज हो रही है. It's called Talash and we've got Ahmed Zeb here. बहुत सारी तालियां अहमद के लिए. We've got Faria Hassan. बहुत सारी तालियां Faria Hassan के लिए. And we've got the director, the producer, the creator, and my partner in crime long, long, long time back, Zishan Khan. बहुत सारी तालियां इनके लिए. अच्छा हम डेफिनेटली बात करेंगे आपकी फिल्म की, लेकिन मैं मुस्तफा भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ. मुस्तफा भाई आपको कभी कोई अपना हम नाम मिला है? Ladies and gentlemen, the true icon, the legendary Mustafa Qureshi Saab. आपने आपने बोल दिया. आप आपने मुस्तफा भाई कहा तो मुस्तफा भाई मैं भी हूँ, मुस्तफा भाई आप भी हैं. तो मैं समझा आपने मुझसे कहा. अभी सवाल किया. आपके नाम में कमाल ना हो लेकिन फिर कमाल मेरे भाई का नाम है. कमाल मेरे भाई का नाम है. अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं. अभी ब्रेक के दौरान मुस्तफा भाई मुस्तफा कुरैशी साहब मुस्तफा भाई से एक बात कर रहे थे कि एक पिक्चर के अंदर सर वो क्या डायलॉग क्या था जो आपने बोला था? कौन सा? जिसमें इनका नाम लिया था आपने. मुस्तफ़ा भी मैं हूँ, कमाल भी मैं हूँ. हाँ एक प्रोग्राम था, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें यही जोड़ा था मैंने. अच्छा. और वो तब था जब ये अलहदा नहीं थे. ये एक थे, एक आज भी हैं और अल्लाह करे एक रहें हमेशा. मकसद तो सबका एक ही होता है, मंजिल एक ही है और वो नेक नेक है और नीयतें भी साफ है और होनी चाहिए. हम तो देखने हम तो फॉलो करने वाले हैं ना कि अल्लाह करे के. अच्छा मुस्तफा भाई कभी आपको नींद मिल जाती है, सोना मिल जाता है? कितनी देर सोते हैं? हाँ हाँ 5 घंटे मैक्सिमम, 4 घंटे 5 घंटे की नींद तो हो ही जाती है. हो ही जाती है. हाँ. जब आप नाजिम थे और मुसलसल काम किया करते थे तब भी इतनी नींद होती थी? हाँ जब भी 4 घंटे मैक्सिमम तो हो ही जाती थी नींद. सुबह आते थे और फिर वो अगर फजर के बाद भी सो रहे हैं तो. अच्छा आपके बारे में लोग बोलते हैं आप थोड़े गुस्से वाले ज़्यादा हैं, आपको नॉर्मली गुस्सा जल्दी आ जाता है, इज दैट ट्रू? वेल मैं इंसान हूँ, मैं गुस्सा भी करता हूँ, मैं प्यार भी करता हूँ, मैं हंसता भी हूँ, मैं गमज़दा भी होता हूँ. प्यार कब कब करते हैं? जब जब आपने मुझे गुस्से में देखा है चंद सेकंडों के लिए, उसका उसके बाद का सारा टाइम प्यार वाला है एक्चुअली. अच्छा 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 एक और सवाल है और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपसे. मुझे ये बताइए ईदी आपको मैक्सिमम कितनी मिली है? वेल मुझे तो हमें तो ईदी मिलना बंद हो गई. अब ईदी देते हैं और नहीं, लेकिन मैक्सिमम कितने मिली कभी अगर मिली? अच्छा बचपन की बात कर रहे हैं जो है वो. वेल आई थिंक लास्ट जो मुझे याद है वो जिस जमाने तक हमें ईदी मिला करती थी आई थिंक हजार एक आदमी से हजार रुपए. हाँ हाँ तो वो उस वक्त जमा. फारूक भाई आपको कितनी मिली है एक आदमी से? भाई एक आदमी से अगर 1000 मिली 500 मिली तो 1,00,000 लोगों ने दी. 1,00,000 लोगों ने? ऐसा नहीं है, मैं मुस्तफा के लिए कह रहा था. नहीं मेरे ख्याल में फिर 100 लोग होंगे जो देते होंगे, 500 50 1,000 200 मतलब इस तरह यही चलता है. इसी तरह से होता है. बल्कि अच्छा, अब तो हम लोग ज़्यादा हमें ईदी देना ही पड़ती है अब. हाँ, वसूली वाला तो फैक्टर जो है वो डिक्लाइन कर रहा. नहीं आज हम लोग भी सब यहाँ पर खड़े होंगे और आप हमें भी ईदी दे के जाएंगे आज. बिल्कुल दे के जाएंगे. मेरा मैं तो समझता हूँ कि मेरा आना ही मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम के लिए एक बड़ी ईदी से तो कम नहीं है. मैं कसम खा के कहता हूँ फारूक भाई ऐसा नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा यार. ये मेरी कैसी, मैं आपको सच बता रहा हूँ मुस्तफा भाई, मेरी किस्मत अजीब है. मैं बच्चा था तब से ईदी दे रहा हूँ, मुझे कोई ईदी नहीं देता. अदर देन माई डैड नो वन हैज एवर गिवन मी ईदी. बचपन से पहली मरतबा मुझे किसी ने भाई कह दिया था, उसके बाद से आज तक मैं साहिर भाई हूँ. I don't know why. आप और ले आइए, मैं इंतजार कर लेता हूँ. चले नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह से ज्यादा. आदाब भाभी आदाब.
आज मुझे फाइनली एक्चुअली ऑनर ईद ही मिली है, इसको मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. कैन आई सीरियसली कीप दिस? हाँ कोई बात नहीं यार. मुझे आज मुझे इस दफा ईद पे 2000 रुपए मिलेंगे. 1000 मेरे फादर देते हैं और 1000 मुझे भाभी ने दिया. दो है ये? नहीं भाभी एक ही है. एक ही एक अंदर रह गया होगा यार. एक ही यार, दो नहीं है ये. अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने कहा दो है, एक अंदर तो नहीं रह गया. आप चेक तो कर आएंगे यार, ये क्या है यार. नहीं, मैंने कहा वो वाला जादू होता ना, वो रुमाल वाला, एक से दो बन जाते थे. मैं कहा शायद वो से आप निकालेंगे तो दो निकलेंगे बाहर. अब मुझे डर ये लग रहा है 10 मिनट बाद ये मेरी जेब से ना चले जाए. I don't know. एक को आप एक दो ना समझे, 10 समझे. मैं बिल्कुल से मिली है. हाँ बिल्कुल. सॉरी, जो था मैंने दे. नहीं भाभी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लग रहा है? अब तो फिल्म की रिलीज करीब आ रही है, हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा, एक्साइटेड. थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है लेकिन एक्साइटेड भी बहुत है. नर्वसनेस किस बात की है? बस पहली फिल्म है एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. लेकिन वो तो बट यू गाइस हैव डन सच अ वंडरफुल जॉब. हमने तो तुम्हारा ट्रेलर देखा है, इट्स रियली गुड, रियली गुड. अच्छा सर का कैरेक्टर क्या है? सर से आप पूछें उनका कैरेक्टर. तो ही इज अ लेजेंडरी एक्टर. हम तो बड़े खुश थे जब हमने सर का नाम सुना था कि हमारी फिल्म के साथ अटैच हो रहा है. मुझे थोड़ा सा डर लगता है इनसे बात करते हुए. यू आर नॉट अलोन. ये 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 कभी भी पकड़ के मुझे कह सकते हैं नवाया सुन मैं तेरी लत्ता पन देंगा ते जिस वेले तू टुरेंगा ते तेरी बैसाखी विचों खट खट जी नहीं नूरी नथ नथ दी आवाज आवेगी सुनिया. आई थिंक दोज वर द बेस्ट फिल्म्स ऑफ आर टाइम्स बिकॉज मुझे जो वो पिक्चर्स लगती थी वो कमाल फिल्म्स थी. जब हम वापस आते हैं तो एक गाना है हो जमालो, वो हम चलाएंगे और साथ साथ कुछ और सवाल आते हैं. आज हमारी खुशकिस्मती है कि इतने बड़े बड़े लोग यहाँ अपने ईद का टाइम दे रहे हैं. थैंक यू सो वेरी मच. एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद. आग ऐसी भरी है सीनों में गुफ्तगू से धुआं निकलता है. वाह 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 वाह. तो ये भी फिल्में हैं चल रही. आप सर ईद के 3-4 दिन का इंतजार करें, उसके बाद जो पेट्रोल के नर खाएंगे ना कानों में से भी धुआं निकलेगा हमारे. Alright, जी थैंक यू वेरी मच. जिशान की ये फिल्म है. जिशान एक गाना है तुम लोगों का हो जमालो, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, उसके बाद मैं उसको चलवाता हूँ. हमारी फिल्म ऑब्वियसली हमने सिंध में शूट की है. सो मेरा एक बिलीव था कि हमने फिल्मों में पंजाबी गाने बहुत सुने हैं. जब ज़्यादातर फिल्में जो हैं वो पंजाब के लैंडस्केप पर शूट हुई, ये सिंध के लैंडस्केप पर शूट हो रही है तो हमें एक सिंधी गाना भी होना चाहिए. एंड इट्स अ फोक एक्चुअली. तो ये हमने बनाया है कि जो बहुत मशहूर सिंधी फोक्स हैं या मशहूर सिंधी गाने, उनका एक मीडले बनाया. सो दैट द कल्चरल वैल्यू शुड बी एसोसिएटेड विद. अभी हम देख सकते हैं? बिल्कुल देख. ऑलराइट जी, इट इज कॉल्ड हो जमालो. अच्छा आमुन आज मुस्तफा भाई, मुस्तफा भाई कैसा लगा आपको? हाँ जबरदस्त माशाल्लाह.
आपने आखिरी फिल्म कब देखी थी? ईमानदारी की बात, सच्ची बात बताइए। जब लास्ट ट्रैवल कर रहा हूँ जहाज पे ही देखी होगी मैंने। नहीं यार, सिनेमा में जाके कब देखी? वो तो जहाज नहीं देखी तो भी, अब आपके साथ देखेंगे इंशाल्लाह। पक्का है ना? हाँ इंशाल्लाह पक्का है, देखेंगे। अच्छा डन, अच्छा डन। आपने कब देखी थी आखिरी फिल्म? वो शपल बड़ा रे जो गाना था ना उसमें। कौन सा? शपल बड़ा रे, वो क्या? शक्कर वंडा। फिर एक और भी होमन जहां, होमन जहां, होमन जहां, शक्कर, हाँ शक्कर वंडा, शक्कर वंडा। अच्छा होमन जहां। अच्छा देख ली वो बड़ी बात नहीं, और गाना अगर गलत याद है तो याद तो है, याद तो है, याद तो है। When was your last film? अगर अभी से discourage करोगे तो आगे फिल्म। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। When was your last film? कौन सी थी? Sir, last film मैंने I think Avengers देखी थी। मैं हूँ थोड़ा सा fan उनका, तो I had to go see it. पांच छह मर्तबा। What about you, Faria? लाल कबूतर, and I loved it. Which one? लाल कबूतर। लाल कबूतर, oh wow, okay. तालियां जी लाल कबूतर के लिए। निशान। एक साल पहले। हाँ। क्या? एक साल तक तो मैं ये फिल्म बना रहा था। सर आप फिल्में देखते हैं अब? सुबह शाम देखता हूँ टॉक शोज। इसके अलावा नहीं देखते? टॉक शोज भी। अच्छा मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर्स हैं। उन टॉक शोज में क्लाइमेक्स भी होता है, एक्शन भी होता है, सभी है और सब कुछ है, तो फिल्में भी यही होता है ना। वो तो ऐसा गरेबानों से पकड़ते हैं एक दूसरे को, और क्या मैसेज देते हैं आवाम को कि वो जो शायर ने कहा है ना कि आग ऐसी भरी है सीनों में। वाह मुसा भाई, आग ऐसी भरी है सीनों में, गुफ्तगू से धुआं निकलता है। वाह वाह वाह। तो ये भी फिल्में हैं, चल रही। आप सर ईद के तीन चार दिन का इंतजार करें, उसके बाद जो पेट्रोल कैनर खाएंगे ना कानों में से भी धुआं निकलेगा हमारे। बिकॉज या बहुत बहुत महंगा होता जा रहा है, बहुत महंगा होता जा रहा है। अच्छा मुस्तफा, वी विल स्टार्ट विद यू वेरी क्विकली। बचपन की ईद या आज की ईद? बचपन की। बचपन की ईद। शीर खुरमा या खीर? शीर खुरमा। शीर खुरमा। गिफ्ट लेना या देना? देना। देना। ईद के दिन सोना या घूमना? सोना। मेहंदी या चूड़ियां? पल बोथ, अलग अलग, इसमें कोई आपस में वो नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन एक दूसरे की। अच्छा दोनों का कॉम्बिनेशन मेहंदियां और चूड़ियां होंगी तो जो है वो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनेगा। एब्सोल्युटली। ईद की शॉपिंग करते हुए कुछ समझ नहीं आ रहा और लोग आपसे सेल्फी के लिए आपको तंग कर रहे हैं, क्या करेंगे? ऐसा हुआ नहीं, वैसे ईद की शॉपिंग पे जाते ही नहीं, अरसा हो गया। लेकिन अगर लोग सेल्फी के लिए तंग करते हैं तो देंगे, लोगों से सेल्फी खिंचवाएंगे, शॉपिंग इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ लोगों का बड़ापन है कि अगर कोई आपके पास आ रहा है आपसे साथ तस्वीर खिंचवाना, तो वो उनका बड़ापन है बेसिकली, तो one should not, I mean, resist, मेरा नहीं ख्याल है। अच्छा ये बताइए मुझे कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए और तीन विशेष वो कहे कि पूरी कर सकता हूँ आपकी, तो कौन सी होंगी? पाकिस्तान में लोगों को झूठ बोलना बंद करवाएं। अच्छा हमारे हालात अच्छे कर दें, और ये जो सारा आपस में लड़ाई झगड़ा है सब, ये सब सब ख़त्म हो जाए, तीन बातें हो जाएं तो सब सही हो जाएगी। फारूक भाई, ईद के दिन आप डिनर पे गए हैं भाभी के साथ और घर पे वॉलेट भूल गए हैं, क्या करेंगे? मेरे ख्याल में पहले भी पैसे दिए बगैर काम चलता था, अभी भी चल जाएगा। ये क्या बात है? मतलब ये कि मैं ये समझता हूँ कि अक्सर रेस्टोरेंट्स में वैसे भी ये होता कि बहुत मुश्किल से हम पैसे देते हैं, जबरदस्ती देते हैं। सर मैं थोड़े दिन के लिए आपके साथ रह लूं सर, बिकॉज़ मैं जिस जगह जाता हूं हमेशा लोग पैसे लेते हैं यार, किसी ने एक रुपये का। बट एक बार ऐसा हुआ, मैं अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब के साथ ट्रैवल कर रहा था, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और आपको ना इतना छोटा सा फील होने लगता है आप ऑटोमेटिकली ना, आपको लगता है आप बहुत सोच रहे होते हैं कि चारों तरफ से आवाज़ें होती है ना, साहिर भाई ये, साहिर भाई वो, साहिर भाई, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू स्टार्ट ट्रैवलिंग विद दीज स्टार्स। तो मैंने उनके साथ ट्रैवल किया, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, एक जगह ऐसी नहीं थी जहाँ उनसे किसी ने पैसे की कोई डिमांड की हो, और वो जहाँ गए हैं हजारों की तादाद में लोग वहाँ पे खड़े हो जाते थे लिटरली। तो अताउल्लाह खान ईसा खेलने के लिए बहुत सारी ताल में।
ईद के दिन आप भाभी को बाहर लेके जा रहे हैं और अचानक गेस्ट आ गए, क्या करेंगे? गेस्ट को भी साथ लेके चलेंगे। गेस्ट आपसे मिलने के लिए आए फारूक भाई? गेस्ट को साथ लेके चलेंगे। ये यही करते हैं वैसे ज्यादातर, गेस्ट आ जाते हैं कहते हैं आप भी हमारे साथ चलें। चले और गेस्ट भी खुशी खुशी चलते हैं, उनको पता है इनकी कंपनी अच्छी लगती है सबको। नहीं तो इनका कहावा तो वैसे भी कोई नहीं टालता, मसला हो जाता है। अच्छा अच्छा ये बताइए, जीन्स या सलवार कमीज? जीन्स या सलवार कमीज? जीन्स और कुर्ता। जीन्स और कुर्ता, हाँ दैट वुड डू। ईदी देना या लेना? देना, जाहिर है देना। एक्टिंग में आपको एक्ट्रेस पसंद है या सिंगर, सिंगर ज़्यादा पसंद है? दोनों अपनी अपनी जगह पर, ठीक है, दोनों की अहमियत है। सीरियस सीरियस एक्टिंग देखते हैं या कॉमेडी? जब रोमांस नाकाम हो जाए फिर उस वक्त जो सीरियस एक्टिंग होती है। भाभी से सबसे ज़्यादा रोमांटिक जुमला कौन सा बोला आपने? सब लोग जिधर वो उधर देख रहे हैं, सब लोग जिधर वो उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नज़र देख रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि फारूक भाई गाते बहुत अच्छा है, और जब ये मैं वापस, गलत अफवाह है ये। नहीं कोई अफवाह नहीं है, मेरे प्रोग्राम में गाया है, मैं हाथ उठा के कह सकता हूँ। अभी रिसेंटली सुना है मैंने, एक क्लिप चल रही थी फारूक भाई की, किसी महफिल में फारूक भाई गाना गा रहे थे। वो आलमगीरी नहीं गाया तो मुझे गाना पड़ा, वो पीटीआई का जो है, देखा गाना गाया था, गाना उसको था। अच्छा आप मुझे ऐसी किसी महफिल में नहीं बुलाते जहाँ आप गा रहे हो? नहीं नहीं, मैं ये सोच के जाता ही नहीं कि मुझे गाना। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। ये खुशियाँ हमारी कायम और दायम रहे, आमीन आमीन। हम बहुत आजमाइश से गुजर रहे हैं और हम सब मिलकर इस मुल्क को सही मानों में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक एतदाल और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाएं, जहां सबकी इज्जत और एहतराम यकसा हो, सबको तरक्की के यकसा मौके मिले। मेरा माइक खोल दिया, वंस अगेन वी आर बैक, आपके साथ हम ईद मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वफा अबरार हमारे साथ हैं, जिन्होंने डॉक्टर सादिया का कैरेक्टर किया है और इसी फिल्म में किया है तलाश में। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू, हाउ वाज योर कैरेक्टर, कैसा है? बहुत मजे का। एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा। या फ्रॉम होस्टिंग टू एक्टिंग, इट वाज अ वेरी डिफरेंट एंड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अच्छा, सब लोग बहुत अच्छे। अच्छा फारिया, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर ईद, आपकी ईद कैसे मनती है? घर वालों के साथ, मामू नानी के घर जाते हैं, यू नो बहुत मजा आता है। व्हाट अबाउट यू अहमद? प्रीटी मच द सेम जी, नानी के घर पे एवरीवन गेट्स टुगेदर या दादी के घर पे एंड द होल फैमिली इज देयर, माशाल्लाह बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि सारे हर डिफरेंट शहर से आते हैं टू द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस और बड़ा अच्छा लगता है। या या ईदी सबसे ज्यादा कितनी दी है तुमने? दी है अब तो खैर टाइम आ गया ईदी देने का, सो आई थिंक अबाउट 5000 दी थी, 1000 ईच टू ईच ऑफ माय नेफ्यूज। अच्छा तो आपने फारिया? मैंने भी दी है काफी, छोटे-छोटे बच्चे बहुत हैं माशाल्लाह। मुसा भाई आपने कितनी दी है ईदी? बोल बहुत बहुत सारे लोग हैं और फैमिलीज आउट ऑफ फैमिली, तो बेशुमार। सर आपकी ईदी कितनी आपने दी है लोगों को? अच्छा मैं एक बात बताऊं, जब मैं 10-12 साल का था ना, तो ज़ाहिर है ईदी मिलती थी और मेरे उम्र के हवाले से तब चंद रुपए मिलते थे और मज़ीद रुपए लेने के लिए मैं जान के जो घर में मिठाई पकता था, मीठे चावल वगैरह सब, यहाँ ये वो, मैं लेकर तो रिश्तेदारों के घरों में जाता था, मोहल्ले के दोस्तों के जाता था, ताकि वहाँ से ईद लूँ। वो फिर वो रिश्तेदार दोस्त वगैरह जब आप डिश लेकर जाते हैं ना, तो वो फिर ईदी भी आपको देते हैं, तो मैं इस तरह ईदी ज़्यादा लेता था। पापा दी है आपने? अच्छा अच्छा 500, ओके सर। 8-10,000
छोटे छोटे बच्चे भाई तू बहुत अमीर आदमी है यार, दे सकता है तू 18,000 उनके लिए तो कहते हैं नॉट काउंटिंग माई 1,000 हाँ 4,000 दी है कितनी दी है मैक्सिमम नहीं मैक्सिमम क्या अगर एक साथ चार पांच बच्चे हैं तो हजार हजार दे दिया तो अच्छा 5,000 मुझे मुझे एक माइक मिल जाएगा प्लीज हाँ थैंक यू पापा क्या सर अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने मेरे गाने की तारीफ की हो क्या है ये? और मैं हूँ मुस्तफा भाई को क्या देख रहे हैं मुस्तफा भाई तो खुद कह रहे हैं उन्होंने आपको गाते हुए देखा है ना भाई देखा तो है गाते हुए तो नहीं मेरा ये कहना है हाँ देखा है या देखा सुना है सुना भी है वीडियो आ रही है चले अब तो गा ले वो तो कॉट अनवेयर था यहाँ तुमने मुझे वैसे गला बहुत ज्यादा खराब है वाकई चलेगा 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 हुई तुम बीवी जिसकी दुश्मन उसका अपने ही गिराते हैं नशे में सही है बकअप करेंगे जैसा भी हो अरे फारूक भाई ये लोग मेरे गाने पर ताली बजाते हैं आप पे भी बजा देंगे ए भाई मैं गुनगुना लेता हूँ जी जी और ज्यादातर एक ही गाने को गुनगुनाया है मैं वही गा लेता हूँ गुनगुना लेता हूँ मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं तेरी जुल्फ फिर संवारूं तेरी मांग फिर सजा दूं अब ये भी बता दें ये आपने सिर्फ भाभी के लिए गाया है मतलब देखिए आप इसमें क्यों बिलावजह शक की फटीक डाल रहे हैं क्यों भाई आपने तकल्लुफ से काम लिया है दिल में तो आपके बहुत कुछ है अब मैं मुस्तफा कुरैशी लेजेंड हमारे आर्टिस्ट हैं इनकी स्कैन मशीन के आगे मैं मजीद झूठ नहीं बोल सकता मैं सरेंडर करता अच्छा जी दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू मुझे सबसे ईद के मैसेजेस चाहिए फारूक भाई विल स्टार्ट विद यू फर्स्ट ईद का मैसेज देखिए अल्लाह ताला ये खुशियां हमारी कायम और दायम रहे आमीन आमीन हम बहुत आजमाइश से गुजर रहे हैं और हम सब मिलकर इस मुल्क को सही मानों में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक एतदाल और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाएं जहां सबकी इज्जत और एहतराम यकसा हो सबको तरक्की के यकसा मौाक़े मिले इंशाल्लाह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए हर शहरी बराबर का शहरी होना चाहिए इंशाल्लाह सर अहमद मैं इसको फॉलो अप तो नहीं कर सकता लेकिन वही बोलूँगा जो सर ने बोला है और अपनी तरफ से और पूरी टीम तलाश की तरफ से सबको बहुत ईद मुबारक एक दूसरे का ख्याल रखिएगा और सब्र से पेश आइएगा इंशाल्लाह मेरी तरफ से भी आपको सबको पूरी टीम को और हमारे देखने वालों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और ये कि मैं ये कहूँगी सब प्यार से मोहब्बत से सब रहें पाकिस्तान में हमारे जितने लोग हैं तो इससे अच्छा हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी सब प्यार मोहब्बत के साथ रहें सबको ईद मुबारक फारिया थैंक यू मेरी तरफ से और तलाश की तरफ से ईद मुबारक और खुशियाँ बाँटें चाहे छोटी छोटी क्यों ना हो ज़िशान बस जैसे अभी ये रमज़ान का महीना गुजरा है बहुत मोहब्बतों के साथ ऐसा पूरा साल गुजारना है हम सब ने ईद मुबारक जी टीम तलाश की तरफ से आप सबको आई विश यू वेरी वेरी ईद मुबारक और खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें ईद की खुद भी खुशियां मनाएं और दूसरों में तकसीम भी करें हालात मुश्किल हैं और इन मुश्किल हालात को देखकर मायूस ना हों और इन मुश्किलात को का मुकाबला करने के लिए इंशाल्लाह तावुन करें एक दूसरे के साथ तावनु अलल बिर व तक्वा ईद मुबारक वल हम सब लोगों को तमाम सुनने देखने वालों को ईद मुबारक हम जो प्रिविलेज लोग हैं जो हमारे माशरे में अल्लाह ताला ने
सबको यकसा मौके नहीं दिए हैं। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे के अपने सराउंडिंग पे नज़र रखकर सबकी ईदों को अच्छा करने की कोशिश करें, तो किसी दूसरे की खुशी में अपनी खुशी तलाश करें। अल्लाह ताला हमसे ये काम ले, ये हमें ये पावर इख्तियार दे और उससे अपनी ईद की खुशियाँ दोबारा करें। ईद की सही खुशी किसी को खुश देख कर खुश करके है, तो सब लोग अपनी सराउंडिंग्स में दो दो लोगों की भी जिम्मेदारी लेंगे तो सब बहुत अच्छे हो जाएंगे, पाकिस्तान में सब खुश हो जाएंगे। मैं आज इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हूँ एंड आई लव यू गाइज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर शेयरिंग एवरीथिंग, लाफ्टर, योर टीयर्स, योर पेन, योर सोरोज, योर ग्रीफ्स एंड योर एम्बिशंस, थैंक यू सो वेरी मच। आप सबको हम सब की तरफ से ईद मुबारक हो। एक ऐसा आर्टिस्ट है, वो छोटे उस्ताद हम उसको कहते हैं, ही सिंग्स रियली वेल, तो हम उसको इख्तिताम उस पर करते हैं। आई नो यू गाइज ऑल सपोर्ट न्यू टैलेंट, तो दिस गाय इज जस्ट वंडरफुल, ही इज़ वेरी वेरी यंग, बट वो थोड़ी कलरफुल पैंट्स पहनता है, बट दैट्स ओके, दैट्स हिज एज, तो वो पहन सकता है। मैंने भी बचपन में ऐसी बहुत पैंट्स पहनी है, बट यू नो, बहुत सारी तालियों में अदील, प्लीज कम फॉरवर्ड, आ जाइए। जब नजर से मिलाई मजा गया, मेरे रश्के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया, मेरे रश्के कमल, क्लैप थोड़ा सा मजा आएगा, मेरे रश्के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया, बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा गया, मेरे रश्के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। थैंक यू वेरी मच, इसको खोल दीजिएगा माइक को, और एज प्रॉमिस्ड मैंने आपसे वादा किया था कि आपके प्राइजेस होंगे, मैं सिर्फ ये स्लिप्स निकलवा दूंगा और उसके बाद ऐलान मैं कर दूंगा और आप लोग अपने प्राइस जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले मुस्तफा भाई इसमें से एक निकाल के मुझे दे दीजिए, बल्कि इनफैक्ट आप इसको खोल के पढ़ लीजिएगा, नाम देख लीजिएगा, जिनके नाम आए उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। फारूक भाई, वन, एक, सर एक निकाल लीजिए इसमें से, वन, अहमद, फारिया, विल स्टार्ट विद मुस्तफा भाई। शाहिद रफीक साहिबा, आपको एनेक्स की तरफ से वॉशिंग मशीन बहुत मुबारक हो, प्लीज सेट, प्लीज सेट, प्लीज सेट, बहुत सारी तालियां। फारिया, दैट्स समरीन फैसल, समरीन फैसल, वेयर एवर यू आर, आपको मुबारक हो एनेक्स की तरफ से वॉशिंग मशीन। शमशाद बेगम, आपको मुबारक हो, थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफा कुरैशी साहब, अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला, यस यस, यू आर वन, बहुत बहुत शुक्रिया। सर फरजाना जी, एवरी वन ऑफ यू हैज वन एनेक्स की वॉशिंग मशीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड सेलिब्रेटिंग ईद विद अस, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मुस्तफा भाई, थैंक यू फारिया, थैंक यू अहमद, थैंक यू मुस्तफा सर, थैंक यू वे मच वफा, थैंक यू जिशान, थैंक यू भाभी, एंड थैंक यू सर फारूक भाई, थैंक यू सो मच, सो लॉन्ग, दिस इज माई शो, खुदा हाफिज़।